नमस्कार, मैं हूँ मोनाली गुप्ता और आज हम मौजूद हैं जयपुर नगर निगम के महापौर श्री विष्णु लाटा जी के साथ। स्वागत है आपका विष्णु जी। आज हम चर्चा करेंगे विष्णु जी के चुनावी संघर्षों को लेकर, सफाई व्यवस्था और 2019 लोकसभा चुनावों के बारे में बड़े मुद्दों को लेकर। तो हम शुरुआत करते हैं इनके चुनावी संघर्षों को लेकर। सर, नामांकन के दौरान आपने कहा था कि महापौर का ताज जो है वो आपके सर पर ही विराजमान होगा, तो सर आपको क्या ये पहले से आश्वस्त था कि जो महापौर का ताज है वो आपके सर पर ही आएगा, या फिर आपको पूर्णतः विश्वास था कि क्रॉस वोटिंग के चलते पूरा जो योगदान है वो आपको मिलेगा? सबसे पहले तो मैं जो गोवा के सीएम साहब का निधन होगा उनको श्रद्धांजलि, ये चार बार सीएम रहे हो, केंद्र में एक बार मंत्री रहे हो, पूरे देश में नहीं रहे, और जनता उनके प्रति कितना लगाव था, तो बहुत ही दुख की बात है कि सर नेता इस संसार में लिया, उन्हें श्रद्धांजलि। सर, आपको क्या लगता है कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीतने से आपको बीजेपी में लेकर आपके प्रति कुछ नाराजगी है, क्योंकि बीजेपी से आपको 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है? नहीं, निलंबित करना होगा कहाँ, मैंने तो कोई निलंबन उनका पत्र आज तक भी मेरे को मिला नहीं बीजेपी से, और सबके साथ मिलके हमने काम किया है, नगर निगम का निर्माण किया है जिसमें बीजेपी का भी सहयोग है, कांग्रेस का भी सहयोग है, इंडिपेंडेंट का भी सहयोग, ये बात मैं लगातार कहता हुआ आ रहा हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं, बीजेपी वालों ने अगर निलंबित कर दिया तो वो उनकी जो रूल्स रेगुलेशन है उसके आधार पर करते रहते हैं, मेरे से कोई जवाब मांगेंगे कभी तो दे दूँगा, बाकी उन्होंने अभी तक मेरे से कोई जवाब नहीं। चुनाव के तहत आपने कहा था कि आप बीजेपी से बागी नहीं हैं, और क्योंकि आपका और आप लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया के तहत आप चुनाव लड़ेंगे, और आपका कांग्रेसी नेताओं से काफ़ी मिलना जुलना रहा है इन दिनों, तो क्या हम ये समझे कि आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले हैं? राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है और नगर निगम बिना सरकार के सहयोग से काम कर ही नहीं सकते, इसलिए हम लगातार जो हमारे मंत्री बनने के बाद, मुख्यमंत्री बनने के बाद, वो किसी पार्टी के रहते ही नहीं, सभी पार्टियों के जन नेता होते हैं, मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं, उसी दृष्टि से सबको एक काम करना चाहिए और जयपुर का विकास करना, हम सब हमारे जितने भी पार्षद हैं मेरे सहयोगी हैं, उनका संकल्प है कि जयपुर को स्वच्छ सुंदर और स्मार्ट बनाए, पार्टी का कोई सवाल ही नहीं है। पार्टी बीजेपी के पास भी पिछले 4 साल से काम मिला हुआ था, मेयर भी थे, सरकार भी थी, फिर भी उन लोगों की जो भावनाएं थी जयपुर के ऊपर वो पूर्ण रूप से खड़े नहीं उतर पाए। जी, 2019 लोकसभा में आपको क्या लगता है कि राजस्थान से बीजेपी को काफ़ी जो है लाभ मिलेगा, या फिर कांग्रेस बाजी मार जाएगी? देखिए सर, तो पिछले 2014 का जो जादू था मोदी जी का, वो शायद अब की बार 2019 में चलना मुझे संभव नहीं लगता। 2019 में आपको क्या लगता है कि अगर कांग्रेस आपको लोकसभा चुनाव का टिकट ऑफर करती है तो क्या आप उसमें आपका क्या स्टैंड रहेगा? मैंने अभी कोई टिकट की मांग की नहीं है, फिर भी जो अगर ऊपर से कोई निर्देश मिलते हैं चुनाव लड़ने के तो चुनाव लड़ते हैं। जैसा कि आपने अब नगर निगम का कार्यभार संभाल लिया है, तो आपको क्या लगता है कि आपके आने के बाद जो ब्यूरोक्रेसी और नगर निगम में जो टकराव रहता था, क्या वो अब भी है या फिर वो बदल चुका है? ये गाड़ी के दो पहलू वो कई होते हैं, जब तक दोनों रील अगर ठीक ढंग से नहीं चलेंगे, एक प्रशासन अधिकारी का भी एक बहुत बड़ा दायित्व और जनप्रतिनिधि का भी बहुत बड़ा दायित्व, दोनों के मिलके काम करेंगे तो जो भावना है नगर निगम की, जो उद्देश्य है, कर्तव्य है, उनको पालना करने में किसी दिक्कत नहीं आएगी, और आपस में कोई ऐसा विरोधाभाव हमारे आपसे अधिकारियों में हमारे में है नहीं, उनका काम भी जयपुर को स्वच्छ रखने की योजना बनाना है और हमारा काम उसको इम्प्लीमेंट कराना है। तो आपको क्या लगता है नगर निगम ऐसी कौन सी दिक्कत है जिसको आपको उसमें सुधार लाने की आवश्यकता लगती है? जयपुर में अभी स्वच्छता में पिछड़ रहा है, ये व्यवस्था को सुदृढ़ हम करेंगे, पूरी योजना बनाएंगे, और जयपुर साफ सुथरा रहेगा तो जो ये बीमारियां फैल रही हैं, मलेरिया, डेंगू, दुनिया भर की, उससे निजात मिल सके, जितना साफ रहेगा उतना ही स्वस्थ रहेंगे, ऐसी एक भावना है सब। जी, आपने कहा था पिछले कुछ दिनों में कि जो पिछले कार्यकाल में जो कमियां रह गई हैं उनको आप आके पूरा करेंगे, तो आप इस चीज़ को कैसे चुनौती पूर्ण? वही मैं आपसे कह रहा हूँ कि जयपुर में स्वच्छता अभियान जो चला है, वो जो स्वच्छता अभियान लगातार जयपुर स्वच्छ रहे, सुंदर रहे, स्मार्ट रहे,
क्यों यहाँ पे लोगों का आवागमन जिस जो पर्यटक है कई सदियों से चला आ रहा है, कई सालों से चला आ रहा है, क्योंकि जयपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध है स्मार्ट सिटी पिंक सिटी के नाम से। यहाँ पे हमारे ऐसी प्रॉपर्टी है जिसे लोग देखने के लिए आते हैं। महाराजा ने कितने से बनाया, बहुत सारा नारा चला जाए, गोविंद देव जी का मंदिर है, म्यूजियम है, बहुत सारी चीज़ें जयपुर में देखने को मिलती है। पूर्ण हवा महल है जिसके नाम पूरे विश्व विख्यात है, ऐसी बिल्डिंग आती है किसी विश्व की निर्माण करेंगी जयपुर में जीते में इकोनॉमिकल दृष्टि से भी बहुत साफ सुथरा मिलती है। जहाँ अगर कोई विदेश के लोग आए तो साफ सुथरे स्थान पर आए, उतने स्वच्छताओं में नजर आए। ये निगम बैठ के भाई सभी साथियों का पार्षदों का जो नॉमिनेट सदस्य है उनका सबका ये एक ही ध्येय है। जो सफाई बजट रहा है 626 करोड़ जो हमारा बजट था सिर्फ सफाई को लेकर, तो इस साल क्या आपके कार्यकाल में आप उस बजट पे ही चलेंगे या फिर आपने उस बजट में कुछ? बजट हमारे पास पर्याप्त है, ऐसा कुछ नहीं है बजट के हमारे पास वो कम हो, वो भी तो खर्च हो, वो खर्च ही नहीं कर पा रहे हैं। बजट जो हमारा पहले 600 समथिंग करोड़ का जो बजट है हमारा, वो खर्च तो कर ही नहीं पा रहे हैं। अभी से बहुत सारी चीज़ें, स्वच्छता सर्वेक्षण है, स्वच्छता सर्वेक्षण में कर्मचारियों की तो ट्रेनिंग देने वाला कार्यक्रम है, वो कार्यक्रम अभी तक लोगों को ट्रेनिंग का काम स्टार्ट नहीं हुआ। लोगों को जागरूक करने का कार्यक्रम है, प्रचार प्रसार का कार्यक्रम है, उसमें भी हम पिछड़ रहे हैं, उसके भी नंबरिंग में हमें बहुत कम नंबर मिले। तो हम चाहेंगे कि इन दिनों में वापस लग के और हम इसको जनता तक पहुँचाएँ, स्वच्छता का अभियान चलाएँ, जनता की भावनाओं को जागरूक करें स्वच्छ रहने के लिए। सफाई कर्मचारियों को भी हम ट्रेनिंग दें कि किस तरह से सफाई करें जयपुर शहर में, क्योंकि वो भी मानवीय दृष्टि से पूरा जयपुर शहर को साफ करते हैं तो कई तरह के जम्स उनकी बॉडी में भी जाते हैं। इन सब बातों को देखते हुए जयपुर में पूरी विस्तृत योजना हम बनाने वाले हैं और पूरी कोशिश करेंगे कि जयपुर एक स्मार्ट शहर के रूप में पूरे राजस्थान में नहीं पूरे विश्व में भी एक नंबर, वो भारत में एक नंबर पे आए। तो आपको क्या लगता है कि जो आपने जो पॉलिसीज बनाई हैं, जो पॉलिसीज आपने जो प्लान की हैं, तो आपकी भविष्य में जयपुर की सफाई को लेकर क्या ऐसे प्रोग्राम्स हैं जिन्हें आप इम्प्लीमेंट करने का सोच रहे हैं? लगातार बीबीसी कंपनी है सफाई का काम कर रही है पिछले 1.5-2 साल में, हम उनसे भी लगातार संपर्क में हैं। दूसरा, हमने 55 करोड़ की मशीनरी नगर निगम के उसी पे इंडिपेंडेंट भी खरीद रहे हैं ताकि कोई कंपनी के मन में इस तरह की भावना आ जाए कि हमारे अधीनस्थ हैं और हम चाहेंगे जैसे जयपुर की सफाई होगी तो उसको भी हम दुरुस्त कर सकें, उनकी जो भावना है उसको भी हम तहस नहस कर सकें कि नहीं हम इंडिपेंडेंट भी जयपुर को पूरा स्वच्छ रख सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोताही हमारे, क्योंकि हमारे पास पूरे संसाधन है, हमने संसाधन में वृद्धि करी है। हमेशा अगर संसाधन ही नहीं होंगे तो जयपुर को स्वच्छ रखना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात, जैसे ही मैं मेयर बना, माननीय मुख्यमंत्री जी के से निर्देश मिले कि जयपुर में वेस्ट टू एनर्जी का प्रोजेक्ट चालू करना है, और वो फाइल पिछले 6 महीने से लंबी पड़ी हुई थी, 188 करोड़ रुपये से जिंदल ग्रुप उसको जयपुर में बिजली उत्पादन का काम कर रहा है, जो करीब हमारा आधा कचरा है उससे वो बिजली बना देगा, साल जितना प्रोडक्शन का 50% कचरा, तो कचरा रहेगा ही नहीं। कुछ समय में आने के बाद में लोगों को बेचने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, लोग खरीदने आएंगे कचरा जयपुर शहर में कि साहब आपके पास कचरा है तो आप हमें दे दीजिए जिससे प्रोडक्शन होगा, और जयपुर शहर की गंदगी समाप्त करा देंगे अगर हमें पूरा काम करने का समय मिल रहा है। तो आपको क्या लगता है कि कितने समय में हम जयपुर को 44वीं रैंक से एक नंबर पे आते हुए देखेंगे? देखो मैम, 44वीं रैंक का, जहाँ तक रैंक का सवाल है, रैंक में भी हम डाउन नहीं है। रैंक पहले 4000 शहरों में कंपटीशन था, फिर 5000 शहरों में कंपटीशन हो गया। तो पहले बात तो ये लोग जो अफवाह कर रहे हैं सिर्फ आपकी रैंकिंग कम हुई है, हमारी रैंकिंग कम नहीं हुई, एवरेज ऑफ नंबर्स जो है आप उनको देख लीजिए। राजस्थान में आप देख लीजिए, राजस्थान में हम सबसे टॉप हैं। ठीक है, अब इंदौर का जो प्रोसीजर है उसको भी हम कुछ चीज़ें अडोप्ट करेंगे। हमने कहा कि पार्षदों का भी एक भ्रमण दल बनाएंगे, ग्रुप बनाएंगे, उनको भेजेंगे पूरे भारत में भी, और वहाँ से रिपोर्ट भी लेंगे, और रिपोर्ट में जैसी जैसी अच्छी कोई चीज़ें लेके आते हैं उनको फॉरन भी भेजेंगे कुछ पार्षदों को, ताकि वहाँ से भी कोई टेक्नोलॉजी लेके आए और भारत में हम उसको लागू कर सकें। माननीय मुख्यमंत्री जी और रीजनल मिनिस्टर साहब से बातचीत करके ताकि जयपुर से स्वच्छ बन सके। हमारे साथ जयपुर नगर निगम के महापौर श्री विष्णु लाटा जी, धन्यवाद विष्णु जी। आज हमने इनसे बातचीत की जयपुर की सफाई और कुछ इनके अभियानों को लेकर। फिर हम मौजूद होंगे सिंस इंडिपेंडेंस की एक और खास बातचीत में एक और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए मैं मुनाली, नमस्कार।